गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे हम लोग कर, लो कर रहे हैं के पाँच की पाँच जो रिलेटेड है करंट अफेयर से तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है तो आपका स्वागत है तो अभी बज मॉर्निंग के पांच ठीक है और आज क्या तारीख है आज है पंद्रह मार्च तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग के पांच बजे में कौन से पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पहला क्वेश्चन है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है या स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी एस पी आई स्कीम को तो किस मंत्रालय द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर में आता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर द्वारा क्या किया जाता है इंप्लीमेंट किया जाता है किसको एस पी आई स्कीम को दैट इज स्ट्रेंथिंग ऑफ स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ठीक है स्कीम को इससे क्या होगा इससे डिपार्टमेंट क्या करता है गाइडलाइन जारी करता है ठीक है इस स्कीम के ऊपर में हाल ही में इसमें टोटल आउटले बजट का कितना आया है पांच करोड़ दिया जाएगा दो से लेकर दो के लिए मतलब कुल मिलाकर पांच साल के लिए दिया जा रहा है इसमें कितना पाँच करोड़ रुपए इसका फाइनेंशियल आउटले आया है ठीक है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम स्ट्रेंथिंग कर सके किसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन फार्मर सेक्टर तो जो भी फार्मा सेक्टर में अभी आपका इंफ्रा है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक तरह से सशक्त बनाना ही इसका काम है यानी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना स्ट्रेंथिंग करना ही इसका काम है इसलिए इस स्कीम का क्या नाम है स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एस पी आई इसे शॉर्ट में भी बोलते हैं किस मंत्रालय द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है परिंदन परिंदन टेम्पल यहाँ पे अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो माफी चाहता हूँ ये हिंदी के कुछ कठोर वर्ड हैं ठीक है थीके? तो ये रिसेंटली आप न्यूज में सुन रहे हो तो आपको किस स्टेट में यूनियन टेरिटरीज के अंदर में है तो इसका आंसर है जम्मू एंड काश्मीर ठीक है तो सेकेंड सेंचुरी के बाद दो लार्ज मोनो मोनोलिटिक ड्रॉक सिवा लिंग और आ, सेवन गंधारा स्टाइल अमंग द अदर्स का एक तरह का साइट था जिसको ये शायद में भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तो वो उसी से जुड़ा हुआ है अभी हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स काफ़ी अच्छी फिल्म है मैंने भी देखा है थोड़ी सी भावुक भी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था लास्ट लास्ट तक मुझे अपना मैं अगर स्वयं यह करूँ कि ऐसा लगा कि फिल्म जब अंत में हुआ कि कुछ सीन्स को तो मतलब स्किप करना पड़ा स्किप सॉरी स्किप नहीं मतलब आँखें घुमानी पड़ी और लगा कि उल्टी सा हो जाता है मतलब बहुत कठोर है फिल्म अगर आप जाके देख सकते हैं सच्चाई बताया गया है फिल्म बहुत अच्छा है मेरे तरफ से तो आप जाइए देखिए अगर आपके अंदर करेज है इतना देखने का नहीं तो जो इंसान सेंसिटिव है वो अगर नहीं देखेंगे तो ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से क्योंकि जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मे भी आप तो अगर अगर आपके हो सकता है आप मजबूत हो हमसे ज़्यादा तो आप देख सकते हैं बट नहीं अगर हैं तो सुन लीजिए उतना ही काफ़ी आपके लिए बट देखना तो सही में बहुत रॉ है एकदम बिल्कुल बोलता है ना रॉ ठीक है तो इसी के चलते तो ये सब चीज़ अब न्यूज में आ रहा है तो जम्मू एंड कश्मीर तो भी न्यूज में चलेगा ही ठीक है चलिए वट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी एडवोकेसी आर्म ये जो एक पॉलिसी इसका क्या नाम है पॉलिसी एडवोकेसी आर्म ठीक है किसके ऊपर लाया जाता है पॉलिसी पावर सेक्टर्स के ऊपर में ठीक है जो पावर रिलेटेड सेक्टर्स है उनके ऊपर और ये आपको बताना है कि किस पावर uh, मिनिस्ट्री के अंदर में आता है तो इसका आता है मिनिस्ट्री एंड पावर सॉरी पावर फाउंडेशन के अंदर में आता है ठीक है तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएसई द्वारा क्या किया गया इंक्लूड कर दिया गया किसको एनटीपीसी पावर ग्रिड रेक टीएफसी एनएचपीसी टीएचडीसी एनईपीसीओ उसके बाद एसजेवी एंड रजिस्टर कर दिया गया है पावर फाउंडेशन के अंदर में इसको एक तरह का क्या किया गया ग्रिड की सोसाइटी बना दी गई है समझो पावर ग्रिड होता है ना पावर ग्रिड में क्या होता, बहुत होता है बहुत सारे ग्रिड होते हैं ठीक है जब आपको पावर ग्रिड देखते हो अगर आपके शहर के आसपास ही पावर ग्रिड होगा आप देखे देखिए वहां बहुत सारे टावर एक साथ जैसे नहीं होते टावर सिग्नल टावर टावर वैसे ही जाके खड़े रहते हैं ठीक है थीके? वो एक तरह के एक लॉन में होता है तो ये समझो ऐसा ही कुछ है ठीक है यहाँ पे जितने भी कंपनी है जो पावर सप्लाई कर रही है वेदर इट इज गवर्नमेंट प्राइवेट सबको एक जगह ला दिया गया है ठीक है इसका प्राइमरी एम क्या है प्राइमरी है कि पॉलिसी एडवोकेसी आम इसका प्राइमरी मोटो है ठीक है और साथ ही साथ इसका एम क्या है इसका एम है असिस्ट प्रोवाइड करना स्टेट और इंडस्ट्री को ठीक है विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सोल्यूशन प्रोवाइड करना इन इंडियाज़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में ठीक है तो क्योंकि अभी हम आपको पता है कि हम लोग कोयले से बहुत सारा एनर्जी उत्पाद करते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट तक तो मे बी ये ज़्यादा दिन तक ना चले इसलिए ये जरूरी बन जाता है कहीं ना कहीं कि आप अभी से इस चीजों पे विचार करें ठीक है चौथा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन को नियुक्त किया गया है तो उनका नाम क्या है तो उनका नाम है अजय भूषण पांडे ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है अपॉइंट कर दिया है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे को एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंदर में ठीक है और ये अपॉइंट्स कमेटी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसी सी हैज बीन अपॉइंट फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स कर दिया गया है यानी ए सी सी को भी यानी अपॉइंटमेंट्स कमिटी कैबिनेटी द्वारा अपॉइंटमेंट कर दिया तीन साल के लिए ये पहले क्या थे सर ये रिटायर हुए थे किससे ये रिटायर हुए थे रेवेन्यू सेक्रेटरी कहाँ से फरवरी में लास्ट ईयर उसके पद से ये रिटायर हुए थे रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद से और अब उनको क्या बना दिया गया है अब उनको बना दिया गया है अपना क्या नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी ठीक है ये इस इनका भी मैंने पिक्चर नहीं डाला मैं भूल गया एक्चुअली पिक्चर डाला मैं कल हो सके दिखा, दिखा आप नेट पे देख लेना ठीक है मार्च 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुआ और आपको बताना है कि इंडिया का भारत का क्या स्थान रहा ग्लोबल लिस्ट के अंदर इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मार्केट को ज्यादा कवर कर सके उसमें तो भारत का कितना स्थान था तो ये पांचवा स्थान था और ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि भारत टॉप फाइव के अंदर में रहा है ठीक है तो है, आपको पता है कि इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो इस तरह इस तरह का चीज पहली बार देखा गया है अभी कंट्री का टोटल मार्केट कैप्स स्टैंडर्ड है कितना डॉलर और फर्स्ट फोर प्लेस जो ऑक्युपाइड है वो है यूएस द्वारा तो इसका यूएस का कितना है फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री टू चाइना का कितना है अलेवन पॉइंट फाइव टू जापान का कितना है सिक्स ट्रिलियन एंड हांगकॉन्ग का भी है बट हांगकॉन्ग का यहाँ दिया नहीं है तो इंडिया के बाद फॉलोअ बाय इंडिया के बाद कौन आते हैं यूके आते हैं सऊदी अरेबिया कनाडा फ्रांस जर्मनी तो ठीक है मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो इससे बहुत सारे फायदे इंडियन इकोनॉमी को होगी और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है तो मॉर्निंग के पाँच बजे के पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है ऊपर देखिए आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा आपको जाइए देखिए आराम से ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपने छोटों को प्यार दें बड़ों की इज्जत करें तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत